हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार तिवारी। आपको स्वागत है जय हो फैंटेसी चैनल में। आज हम बात करने वाला है PAR वर्सेस LAT टीम के बारे में। मैच स्टार्ट होने में अभी भी 21 आवर्स 24 मिनट्स है। इंडिया का टाइम का अनुसार देखा जाए तो कल दोपहर को 12 बजे को मैच स्टार्ट होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर बाई मिस्टेक डिस्क्रिप्शन से मेरा टेलीग्राम चैनल सोनी होता तो आप टेलीग्राम में जाके @jhofantasy सर्च करते ही मेरे टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। इसी तरह सर्च करते ही मेरे टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। कुछ बंदे ने मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम से फेक अकाउंट बनाया, सो इस अकाउंट को आप भूल से भी ज्वाइन मत करना। आपको ये फेक टीम देगा, ये फेक अकाउंट भी है जिसमें आपको 1350 सब्सक्राइबर्स दिखाई दे रहे हैं। जिसमें आपको 1300+ सब्सक्राइबर्स होंगे दोस्तों, उसी पर आप ज्वाइन कर लेना। इसी तरह मैं आपको फाइनल टीम दूंगा लाइनअप अनाउंस होने के बाद। जो मैं आपको टीम दूंगा हेड टू हेड 3 स्पॉट 4 स्पॉट और 5 स्पॉट्स में ट्राई करेंगे तो 100% भी होंगे। अब तक आपका जितना लॉसेस में सब लॉसेस को कवर कर सकते हैं दोस्तों। मैंने फाइनल टीम के नीचे मैं लिंक प्रोवाइड करता हूँ। एक है माई मास्टर 11, दूसरा कुबेरा और तीसरा विजन 11। तीनों आप कमाल के ऐपर, तीनों में लो कॉम्पिटिशन होता है, तीनों में 100% मनी ईजिली सेंड कर सकते हैं। तीनों आप कमाल के ऐप है दोस्तों। पहला वाला दोस्तों माई मास्टर 11 का लिंक। माई मास्टर 11 एक न्यू ऐप है दोस्तों, इसमें लो कॉम्पिटिशन होता है, आप 100% मनी ईजिली कर सकता है। कमाल के ऐप है दोस्तों माई मास्टर 11। माई मास्टर 11 का लिंक है दोस्तों, क्लिक करते हैं सो जाए तुरंत डाउनलोड कर लेना। आप 100% माई मास्टर 11 मनी इजीली सेंड करेंगे। और दूसरा वाला सो कुबेरा। कुबेरा के बारे में सब लोग जानते हैं। सो कुबेरा में अगर आप DEO का टीम में खेलेंगे तो आप 100% मनी इजीली सेंड करेंगे, क्योंकि इसमें आपको एक ही प्लेयर को सेलेक्ट करना। मैं आपको इसी तरह प्लेयर को सेलेक्ट करके दे दूंगा। अगर आप कुबेरा में DEO का टीम में खेलेंगे तो आप 100% मनी इजीली सेंड करेंगे। कुबेरा का लिंक है दोस्तों, क्लिक करते हैं सो जाए तुरंत डाउनलोड कर लेना। और तीसरा वाला सब विजन 11। विजन 11 के बारे में सब लोग जानते हैं। विजन 11 100% मनी इजीली सेंड कर सकता है। कमाल के ऐप है दोस्तों विजन 11। विजन 11 का लिंक है दोस्तों, क्लिक करते सो जाए तुरंत डाउनलोड कर ले। 100% विजन 11 मनी इजीली सेंड करेंगे दोस्तों। मेरे तीनों ऐप में मनी इजीली सेंड कर रहा हूँ, आपको भी तीनों ऐप में मनी इजीली सेंड कर रहा हूँ। तुरंत लिंक से तीनों ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आप 100% तीनों ऐप में मनी इजीली सेंड करेंगे। चलिए दोस्तों लेट नहीं करते हैं, वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। डिफेंडर्स, डिफेंडर्स में बहुत सारे डिफेंडर्स होते हैं दोस्तों, लेकिन मैं तीन डिफेंडर्स को पिक करूँ, बहुत बेस्ट डिफेंडर्स होंगे दोस्तों। आप उनको 100% पिक करो। तीनों डिफेंडर्स आपको ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में विन करवाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंडर्स होगा। मेरे डिफेंडर्स में तीन ही डिफेंडर्स को पिक करो, सो तीनों डिफेंडर्स बेस्ट डिफेंडर्स होंगे, आप 100% मनी ईजिली सेंड करेंगे दोस्तों। चलिए सो तीनों डिफेंडर्स को देखते हैं। तीनों डिफेंडर्स का लास्ट 3 मैचेस का स्टैट्स भी बताऊंगा। तीनों डिफेंडर्स दोस्तों आर गांधीका का दोस्तों, और भी कुंबली का दोस्तों, और यू नारेना का। तीनों डिफेंडर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंडर्स है, आप ये तीनों डिफेंडर्स को 100% पिक। तीनों डिफेंडर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंडर्स है। तीनों डिफेंडर्स का लास्ट 3 मैचेस का स्टैट्स के बारे में बात किया जाए तो आर गांधीगी के बारे में बात करते। गांधीगी ने लास्ट मैच में 2 राइट पॉइंट लिया था, बोनस पॉइंट 19 और टैकल पॉइंट 4 किया था। टोटल पॉइंट इनका लास्ट मैच 6 पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंडर है, आप इनको 100% पिक कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंडर है। और सेकंड मैच के बारे में बात करें तो लास्ट दूसरे मैच में राइट पॉइंट 4 था दोस्तों, बोनस पॉइंट 4 था, टैकल पॉइंट 1 किया, सो टोटल इनका 9 पॉइंट है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर की तरह खेलते हैं दोस्तों गांधी की। और लास्ट तीसरे मैच के बारे में बात करें, तीसरे मैच में राइट पॉइंट 0 था, बोनस पॉइंट 1 था, टैकल 0, सो टोटल पॉइंट 1 है दोस्तों। लास्ट तीसरे मैच में फ्लॉप है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंडर है। और भी कुंबली के बारे में बात करें, कुंबली तीनों मैच में लास्ट मैच में, लास्ट दूसरे मैच में, लास्ट तीसरे मैच में, तीनों मैच में खेला नहीं दोस्तों। अगर कुंबली खेलते तो कुंबली को 100% पिक कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंडर दोस्तों, आप इनको 100% पिक कर लेना। और यू नारेना बोचर के बारे में बात करें, लास्ट मैच में खेला नहीं, लास्ट दूसरे मैच में भी नहीं खेला था, दोनों मैच में सिटिंग है दोस्तों। और लास्ट तीसरे मैच के बारे में बात करें, तीसरे मैच में राइट पॉइंट 5 था दोस्तों, और बोनस पॉइंट 0, टैकल 4 पॉइंट किया, सो टोटल इनका 9 पॉइंट है। मैंने डिफेंडर्स में तीन डिफेंडर्स को पिक किया, तीनों डिफेंडर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंडर्स है, आप तीनों डिफेंडर्स को 100% पिक कर लेना। ये तीनों डिफेंडर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंडर्स है। मैंने तीनों डिफेंडर्स का स्टैट्स भी बता दिया। तीनों डिफेंडर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंडर्स है, तीनों को 100% पिक कर लेना। और ऑलराउंडर में देखा जाए तो मैंने ऑलराउंडर में बहुत सारे ऑलराउंडर्स दोस्तों, लेकिन मैं 2 ही ऑलराउंडर को पिक करूंगा, वो दोनों ऑलराउंडर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर्स होंगे, आप दोनों को 100% पिक कर लें। चलिए सो दोनों ऑलराउंडर्स का स्टैट्स भी देखते हैं, जो कौन है दोस्तों ऑलराउंडर्स। और दोनों ऑलराउंडर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर्स होंगे, आर गोपाल दोस्तों और प्लीज कामलकर दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर्स है। दोनों ऑलराउंडर्स का लास्ट मैच का स्टैट्स के बारे में बात करें तो
गोपाल ने लास्ट मैच में एक राइट पॉइंट लिया दोस्तों, बोनस पॉइंट, दो टैकल, तीन, टोटल 6 पॉइंट था दोस्तों गोपाल को लास्ट मैच में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है। लास्ट दूसरे मैच के बारे में बात करें, लास्ट दूसरे मैच में गोपाल ने दोस्तों राइट पॉइंट 3 लिया था दोस्तों, बोनस पॉइंट 0, टैकल 1 था दोस्तों, टोटल 4 पॉइंट दोस्तों। लास्ट तीसरे मैच में सिटिंग में दोस्तों गोपाल भी एक इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर, गोपाल को आप 100% पिक कर लेना। और पी कमलाकार के बारे में बात करें, कमलाकार ने लास्ट मैच में सिटिंग है दोस्तों, लास्ट दूसरे मैच में राइट पॉइंट 0 से बोनस पॉइंट 0, टैकल 0 दोस्तों, टोटल पॉइंट 0, और लास्ट तीसरे मैच में भी सिटिंग है दोस्तों कमलाकार। लेकिन कमलाकार एक इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है, इनको 100% पिक कर लेना। अगर कमलाकार खेलते तो कमलाकार आपको कप्तान वर्स कप्तान में भी ट्राई करना। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है। मैंने ऑलराउंडर में दो ऑलराउंडर को पिक किया, दोनों ऑलराउंडर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर्स है। अब दोनों ऑलराउंडर्स को 100% पिक करना दोस्तों। आर गोपाल दोस्तों पिक कमलाकर, पूरा मैंने दो ऑलराउंडर्स को पिक किया, दोनों ऑलराउंडर्स का स्टैट्स भी बता दिया। अब राइडर्स में देखा जाए तो मैंने राइडर्स में दो ही राइडर्स को पिक करना, दोनों राइडर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइडर्स होंगे दोस्तों। और दोनों राइडर्स को 100% पिक करना, दोनों राइडर्स आपको ग्रैंड लीग भी विन कराओगे, स्मॉल लीग भी विन कराएगा, 100% दोनों राइडर्स सब मनी इजीली सेंड करेंगे। तो चलिए सो दोनों ऑलराउंडर को उन्हें देखते हैं, तो दोनों ऑलराउंडर को 100% पिक कर लेना, दोनों ऑलराउंडर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइडर्स। एम चंदन दोस्तों और पी मनीष रुद्राक्ष को दोस्तों, पूरा मैंने दो राइडर्स को पिक किया है, दोनों राइडर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइडर्स है। दोनों राइडर्स का लास्ट 3 मैचेस का स्टैट्स के बारे में बात करते हैं। एम चांद के बारे में बात करें, चांद ने लास्ट मैच राइट पॉइंट 0 दोस्तों, और बोनस पॉइंट 0 और टैकल पॉइंट 0 दोस्तों, टोटल पॉइंट चांद का 0 है दोस्तों। लास्ट दूसरे मैच के बारे में बात करें, लास्ट दूसरे मैच में 0 राइट पॉइंट, 0 बोनस पॉइंट और 0 टैकल, टोटल पॉइंट 0 दोस्तों। और लास्ट तीसरे मैच के बारे में बात करते हैं, तीसरे मैच में चांद ने दोस्तों राइट पॉइंट 3 लिया था, बोनस पॉइंट 1 दोस्तों, टोटल पॉइंट इनका 4 था दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइडर है, चांद को 100% पिक कर लेना। और मनीष रुद्राक्ष के बारे में बात की तो लास्ट मैच में राइट पॉइंट 16 था दोस्तों, बोनस पॉइंट 4, टैकल पॉइंट 19, टोटल 20 पॉइंट लिए दोस्तों। आप इनको 100% पिक कर लेना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइडर है। और लास्ट दूसरे मैच के बारे में बात करें, दूसरे मैच में दोस्तों राइट पॉइंट 19 था दोस्तों, बोनस पॉइंट 4 दोस्तों, टैकल पॉइंट 19, टोटल पॉइंट 23 है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइडर है। और लास्ट तीसरे मैच के बारे में बात करें, तीसरे मैच में राइट पॉइंट 0 से बोनस पॉइंट 0, टैकल 1 था दोस्तों, टोटल पॉइंट 1 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइडर्स है। मैंने राइडर्स में दो ही राइडर्स को पिक किया, दोनों राइडर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइडर है, अब दोनों को 100% पिक कर लेना। एम चान और मनीष रुद्राक्ष को आप 100% पिक कर लेना दोस्तों, ये दोनों राइडर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइडर्स, आप दोनों को 100% पिक कर लेना। अगर डिफेंडर्स में देखा जाए मैं 3 डिफेंडर्स को पिक किया, ऑलराउंडर में देखा मैं 2 ऑलराउंडर को पिक किया, राइडर्स में देखा जाए मैं 2 राइडर्स को पिक किया, पूरा मैंने 7 प्लेयर को पिक किया, 7 प्लेयर का स्टैट्स भी बताया, 7 प्लेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप 7 को 100% पिक कर लेना। अब कप्तान वाइस कप्तान के बारे में बात करें तो मैंने कप्तान में बनाऊंगा दोस्तों पी मनीष का रुद्राक्ष को दोस्तों, वाइस कप्तान में आर गांधगा को दोस्तों। अगर मेरे टीम को देख लीजिए, मैंने डिफेंडर्स में 3 डिफेंडर्स को पिक किया दोस्तों, आर गांधगा को दोस्तों, और बी कुंबली को और यू नारायण को। और ऑलराउंडर में देखा जाए तो मैं 2 ऑलराउंडर्स को पिक किया दोस्तों, पी कमलाकर दोस्तों और गोपाल को। और राइडर्स में देखा जाए मैं 2 राइडर्स को पिक किया, एम चांद को दोस्तों और पी मनीष को दोस्तों। मेरा कप्तान में बना दोस्तों पी मनीष रुद्राक्ष को, और वाइस कप्तान में आर गांधगा को दोस्तों। मेरा कोई फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको लाइनअप अनाउंस होने के बाद मेरे टेलीग्राम में मिलेगा, इसलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। जो आपको टीम दिखाई दे रहा है स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग हेडवर्ड 3 स्पॉट 4 स्पॉट और 5 स्पॉट्स में आप 100% विन होंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और लाल वाला घंटी को जरूर दबाना। थैंक यू।